हेलो फ्रेंड्स, समाधान एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम आपको और वीडियो प्रोवाइड करा सके। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एज बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एज बेस्ड क्वेश्चन। रेलवे, SSC, बैंक, आप किसी भी SSC बैंक कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, हर जगह पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आयु संबंधित प्रश्न है, एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें या तो आपको क्या पूछा जाएगा, पास्ट, पास्ट की एज पूछी जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट की पूछी जाएगी, या फिर फ्यूचर, फ्यूचर की एज पूछी जाएगी, ठीक है। आपको यही पूछ सकते हैं और कुछ नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की एज है, क्या है, प्रेजेंट की एज है। और ये मान लीजिए ये पास्ट, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, मान लीजिए आपको दिया है कोई प्रेजेंट की एज दी गई है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी दी गई है, और आपको पास्ट में जाना है, कितने पास्ट में, और फ्यूचर, फ्यूचर। तो देखिए इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। यदि देखो, पास्ट के बीच का गैप दिया 10 और प्रेजेंट फ्यूचर का बीच का गैप 10, ठीक है। ये है प्रेजेंट, क्या है, ये प्रेजेंट की एज है, ठीक है, और ये पास्ट एज है, और ये फ्यूचर एज है। यदि हम प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे, यदि इनके बीच का गैप 10 दिया है, लेकिन प्रेजेंट से पास्ट जाएंगे तो 10 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ 10 ऐड, मान लीजिए ये एक्स है, ठीक, एक्स से आप पास्ट में जा रहे हैं, तो आपको एक्स प्लस, पास्ट में जाएंगे तो आपको क्या, माइनस करना पड़ेगा, 10 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। और प्रेजेंट से आप फ्यूचर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप फ्यूचर जाएंगे, तो अब आपको एक्स प्लस 10 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, ठीक है। और आप पास्ट, मतलब पास्ट से डायरेक्ट फ्यूचर में जाएंगे, तो अब ये 10, ये 10 20 हो गया है, तो आपको 20 ऐड करना पड़ेगा। आप फ्यूचर से डायरेक्ट पास्ट में जाएंगे, तो आपको क्या, 10 10 ये 20 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सभी में यूज होता है, ठीक है। आपको एज हमेशा देख बोला जाता है कि ये वर्तमान की एज है, ये पास्ट की एज है, कोई भी एज दी जाएगी तो आपको पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास, जैसे जाना हो इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है रानी और मनीषा की आयु का अनुपात 4:6 है, और उनकी आयु का योग 100 है, क्या है, 100 साल है। तो 20 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए रानी मनीषा, ठीक है, रानी मनीषा के रेशियो क्या दिया है, 4:6, ठीक है, 6 दिया है। उनकी आयु का योग, देखिए इनकी आयु का योग दिया गया है, क्या दिया, 100 साल। तो देखिए ये अनुपात है, तो आयु का योग ही तो दिया गया है, तो योग हम निकाल सकते हैं, 6 + 4 = 10, 10 हो गया ना, तो 10 = 10 रेशियो, ये क्या हो जाएगा, रेशियो, 10 रेशियो इक्वल टू कितना, 100 साल, क्या हो जाएगा, 100 साल। तो हम एक रेशियो निकाल सकते हैं ना, एक रेशियो, तो 10 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो एक रेशियो हमारा निकल के आ गया 10, तो इसमें क्या गया, तो 20 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमें 20 साल बाद बताना है, ठीक है। पहले प्रेजेंट निकालेंगे, क्या ये दी गई है, ठीक है, पहले हम लोग प्रेजेंट निकालेंगे, ठीक है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की दी है, ठीक है, रानी की, रानी कितनी हो जाएगी, 10:4, 10:4 अनुपात 10:6, 40:60, ठीक, ये हो गई वर्तमान। अब हमको कितना, 20 साल बाद बतानी है, तो 20 साल बाद की देखिए, 20 साल बाद रानी एंड मनीषा की एज का अनुपात बताना है, 40 थी, 60 थी, ठीक है, तो 40:60 था, तो हमें 20 साल बाद बताना, तो इसमें प्लस 20, इसमें प्लस 20, हाँ,
तो 40-20-60 अनुपात 60-20-80, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3:4, ठीक है। तो रानी और मनीषा का 20 साल बाद के बाद अनुपात आ गया 3:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया ए और बी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 150 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको याद करते हैं, देखिए ए माना, हमने मान लिया, ठीक है, माना ए और बी की आयु का हमने इशू मान लिया है एक्स और वाई, ठीक है, क्या एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 150 है, ठीक है, और ए और बी की आयु क्या, आयु में 40 वर्ष का अंतर है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 40 वर्ष का अंतर है, क्या कहा गया इसमें, 40 वर्ष का अंतर है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 150 है, तो हम वर्तमान निकाल सकते हैं, वर्तमान आयु का योग कैसे निकालेंगे, देखो 5 वर्ष बाद तो ए की 5 वर्ष और बी की 5 वर्ष तो टोटल क्या हो गया 10, तो हम लोग क्या करेंगे 150 में 10 माइनस कर देंगे तो हमारा वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 140 हो गया, ठीक है। तो वर्तमान आयु x प्लस वाई बराबर 140 हो गया और x माइनस वाई बराबर 40 हो गया, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, y प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 2x बराबर हमारा हो गया 180, ठीक है। तो हमारा x इक्वल टू निकल के कितना आ गया, 2 से काट देंगे 90, ये हमारा x निकल के आ गया, इसमें क्या उनकी वर्तमान आयु निकालनी, तो x हमारा आ गया एक ही निकल के आ गया 90, तो हम इसमें x प्लस वाई 140 है, 140 में 90 माइनस कर देंगे तो हमारा y निकल के आ जाएगा, तो क्या है हमारा y निकल के आ जाएगा, तो देखिए y हमारा हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो हमारा y 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो y हमारा कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसमें क्या पूछा गया था, वर्तमान की आयु पूछी गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया राधा और राजू की वर्तमान आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:8 था, राजू की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। राधा और राजू की वर्तमान आयु 16 वर्ष का अंतर है, ठीक है, दोनों में कितना है 16 वर्ष का, मतलब 16 साल का अंतर है, ठीक है। देखिए राजू, देखो राधा और राजू, ठीक है, इनका रेशियो कितना दिया है 6:8, ठीक है, और इनमें अंतर कितना है, क्या बताया गया है 16 वर्ष का अंतर है, ठीक है। देखो दोबारा हम बताते हैं, राधा और राजू की वर्तमान आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो उनकी आयु का, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो उनके अंतर 16 है, ठीक है, क्या है अंतर 16 है दोनों में, तो क्या अंतर तो हमेशा क्या रहेगा, अंतर तो हमेशा 16 ही रहेगा ना, 16 ही रहेगा। आप मतलब किसी से छोटे, मान लीजिए आप किसी से 5 साल बड़े हैं, तो आप 10 साल बाद मान लो अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं, ठीक है, तो आप 10 साल बाद भी 5 साल ही बड़े रहेंगे, 20 साल बाद भी 5 साल ही बड़े रहेंगे, आप मतलब छोटे बड़े तो नहीं, एज तो अब मतलब डिफरेंट हमेशा एक ही रहेगा ना, तो अंतर तो हमेशा इसमें भी 16 ही रहेगा, अंतर तो नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। तो उसमें क्या कहा गया, 8 वर्ष बाद उनकी रेशियो दिए, 8 वर्ष बाद का रेशियो ये दिया गया है, तो अंतर तो 16 ही रहेगा, तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 8-6 का अंतर 2, तो 2 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा 16, तो एक रेशियो निकाल सकते हैं ना हम लोग, एक रेशियो 2 से काट देंगे 8, ठीक है।
तो राजू की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, तो राजू की वर्तमान आयु हम लोग निकाल लेंगे, ये आठ क्या है, 8 वर्ष पहले की है, ठीक है, 8 वर्ष पहले की है। तो देखिए 8 वर्ष पहले की, 8 से 8 इंटू करेंगे टू 64 प्लस 8 को भी करना पड़ेगा क्योंकि ये 8 वर्ष पहले की है, ठीक है, क्या है, 8 वर्ष पहले की है, तो हम इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो हमारी 72 वर्ष राजू की एज हो जाएगी, ठीक है, क्या 72 वर्ष ये राजू की एज, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया था 8 वर्ष पहले का तो हमें ऐड करना पड़ा, ठीक है, यदि 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया होता तो हम लोग माइनस कर देते, मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, देखो देखिए तनुजा की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की 5/4 है और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/20 वह भाग है, तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें, ठीक है, हमें उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा भिन्न के रूप में दिया जाए, ठीक है, भिन्न के रूप में कहीं भी दिया जाए तो ये हो जाएगी प्रेजेंट, क्या हो जाएगी, प्रेजेंट, तो ये आज की इसकी आयु है, करेशियो है, और ये पास्ट, ये पास्ट, ये क्या है, पास्ट शादी के समय की, क्या है, शादी के समय की, ठीक है, तो उसमें कहा गया है, देखिए 4 वर्ष पहले, तो इनका अंतर क्या होगा, 4 वर्ष पहले कहा गया ना, तो इन दोनों का अंतर ही तो हो जाएगा, 5-4 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1:4, क्या होगा, हमारा 1:4 निकल के आ गया, 4 हो गया, तो तनुजा की वर्तमान आयु देखिए, तनुजा की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए 4:4 दिया है और ये 5 प्रेजेंट का, 5 × 4 = 20, ठीक है, कितनी होगी, 20 साल, मतलब 20 साल की है वो, ठीक है, अब तो पुत्र, उसका पुत्र 1/20 भाग है, ठीक है, तनुजा की 20 है तो इसका पुत्र 1/20 भाग है, तो ये 20 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, उसका पुत्र 1 साल का होगा ना, 1 साल का होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये रेलवे SSC आप कहीं भी कोई भी एग्जाम देंगे, इस टाइप से क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है नेट, रमेश अपने पुत्र से 3 गुना आयु का है, मतलब रमेश अपने पुत्र का, ये होगा पुत्र का होगा, यहाँ गलत हो गया, मिस्टेक है, देखिए रमेश अपने पुत्र का 3 गुना आयु का है, रमेश अपने पुत्र से 3 गुना आयु का है, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, 5 साल के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद उनकी आयु 66 हो जाएगी, तो उसकी और उसके पुत्र की आयु क्या है ये हमें बताना है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, देखिए रमेश और रमेश का पुत्र, ठीक है, रमेश अपने पुत्र से 3 गुना मतलब ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो मान लीजिए उसका पुत्र 1, तो रमेश 3 गुना है ना आयु उसकी, 3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है, पुत्र 1 है तो रमेश 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना, 3 हो गया, तो इसे 5 साल बाद उनकी आयु का योग 66 हो रहा, तो क्या होगा, 5 साल रमेश में जुड़ेगा और 5 साल उसके पुत्र में जुड़ेगा, क्या, 5 साल रमेश में जुड़ा और 5 साल उसके पुत्र में जुड़ा, ठीक है, तो वर्तमान एज क्या होगी, तो वर्तमान आयु का योग देखिए, वर्तमान आयु का योग क्या होगा, 66 है,
ठीक है, कितना, 5 साल बाद, ठीक है, ये 5 साल बाद की है, तो हमें क्या निकालनी, वर्तमान निकालनी। 66 है 5 साल बाद, तो हमें 5 इसकी 5 इसकी क्या करनी पड़ेगी, माइनस, 5 इसमें जोड़ा है 5 इसमें, तो हम माइनस करेंगे तभी तो वर्तमान निकल गया आई, तो हमारी 56 वर्तमान आयु निकल के आ गई। ठीक है, ये वर्तमान है, और ये रेशियो क्या दिया है, वर्तमान का ही दिया है, तो 3 + 4 3 + 1 रेशियो इक्वल टू निकल के आ गया 56 हो गया, तो 4 = 56, तो 1 रेशियो निकल के आ जाएगा इक्वल टू, 4 से काटेंगे हम, 14 बार जाएगा। ठीक है, तो उसमें उसकी वर्तमान आयु पूछी है और ये रेशियो वर्तमान का दिया गया है। ठीक है, तो 1 रेशियो इतना है, तो ये 3 रेशियो, 34 42 और ये 14 = 14, तो ये वर्तमान एज हो गई। ठीक है, तो ये रमेश, और ये देखिए ये रमेश की है और ये इसकी पुत्र की है। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे मैंने निकाला, ये रमेश ये पुत्र, इसका 3 गुना है, तो ये 1 ये 3 हो गया, और ये 10 मतलब 5 साल की बाद की एज दी थी, योग 5 साल बाद के आयु का योग था। ठीक है, तो हमने दोनों के 5 इसका 5 इसका माइनस कर दिया, तो ये हमारा वर्तमान हो गया, तो ये रेशियो वर्तमान का दिया, इस रेशियो के इसके इक्वल टू कर दिया, तो हमारा 1 रेशियो निकल के आ गया, हमने वर्तमान से इसका निकाल लिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं अपनी ट्रिक से बता रही हूँ, मतलब शॉर्टकट बताऊँगी इसको, बहुत आसान, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन ही शॉर्ट तरीके से बताया जिससे आपको टाइम ना लगे। देखिए इसमें कहा गया है 5 वर्ष पहले दीपिका और रणवीर की आयु का अनुपात क्या दिया है, 2:3, कितना दिया है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, हाँ, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:8 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, 5 वर्ष पहले इतना था, 5 वर्ष बाद इतना हो गया है, तो हमें क्या निकालनी है, वर्तमान निकालनी है। तो देखिए हमेशा देखिए दीपिका एंड रणवीर 2:3 ये है कितने, 5 वर्ष पहले बस पहले की। ठीक है, क्या है ये, 5 वर्ष पहले की। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद का रेशियो कितना हो गया, 6:8, ये क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का रेशियो, अब इसको इक्वल टू कर दीजिएगा, 6:8 कब हुआ, 5 वर्ष पहले का था और 5 वर्ष बाद का था। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले का, ये 5 वर्ष बाद का है, तो ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, और बीच में प्रेजेंट, क्या है, बीच में प्रेजेंट। ठीक है, हमें क्या जाना है, दोनों के बीच 5 साल इसका 5 साल इसका। ठीक है, तो 10 इसमें जुड़ गया और 10 इसमें, ये हम इसको आपको क्रॉस मेथड बता रहे हैं, क्या है, क्रॉस मेथड। ठीक है, याद रखिएगा क्रॉस मेथड। देखिए इसका इंटू करेंगे, देखिए 8 2 का इंटू करेंगे, 6 का 3 से इंटू करेंगे, 6 का मान लो पहले 3 से करते 18। अभी मैं आपको और भी अभी अच्छे से इसको बता दूंगी मैं आपको, चेक इससे करें, इंटू 6 18 8 2 16 इक्वल टू 10 का 8 से 80, 6 का 10 से -60, तो ये 2 रेशियो हो गया, इक्वल टू 20 बचा, तो 1 रेशियो हमारा निकल के आ गया 10, कितना 10 निकल के आ गया। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है, क्या निकालनी है, दोनों की वर्तमान आयु, तो देखिए वर्तमान, पहले हम वर्तमान निकालते हैं, वर्तमान कितनी होगी, वर्तमान निकालनी है ना, तो 1:10, ये क्या है, 5 वर्ष पहले की है दोनों की रेशियो। ठीक है, क्या है, 5 वर्ष पहले की, 10 20
पाँच हमको ऐड करने पड़ेगा क्योंकि 5 वर्ष पहले की है, ठीक है। और रनवे की 30 + 5, ठीक है, तो हो गई 25 और 35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 25 और 35, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं इसका याद रखिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा। देखिए ये हमेशा क्या होगा, ये तभी लगेगा जब दो अनुपातों के बीच, ये दो अनुपात दिए, दो अनुपातों के बीच संख्या दी जाएगी, क्या संख्या, संख्या दी जाएगी, ठीक है, दो अनुपातों के बीच संख्या दी जाएगी, ये तभी लगेगा, अन्यथा इसको नहीं लगा सकते हम, ठीक है। एक पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये जब दोनों के बीच संख्या प्लस में, मतलब ये प्लस ये भी प्लस, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस दिया जाए माइनस माइनस जाएगा, तो क्या होगा, इनको जोड़ें क्या घटा देंगे, तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटे को घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। प्लस प्लस या माइनस माइनस दिया जाए तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, ठीक है, इसको याद रखना। और तीसरा पॉइंट याद रखना, जब यहाँ चिन्ह बदल जाए, मान लीजिए माइनस और प्लस, ठीक, प्लस माइनस डिफरेंट हो जाए, मतलब समान ना रहें, मतलब चिन्ह डिफरेंट रहे, तो क्या होगा, हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम, तब जोड़ देंगे, तब हम जोड़ेंगे, ठीक है। यदि एक जैसे चिन्ह दिए जाएंगे तो घटा देंगे, और डिफरेंट दिए जाएंगे तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखिएगा। ये दो रेशियो दिए जाएंगे और दोनों रेशियो के बीच संख्या दी जाएगी, तभी हम इसको लगा सकते हैं। और देखो एक जैसे चिन्ह, मतलब समान चिन्ह दिए जाएंगे, तब हम घटाएंगे, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, और जब डिफरेंट अलग अलग चिन्ह दिए जाएंगे तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने यही तो किया था, चिन्ह समान थे तो क्या करना था, घटाना था, ठीक है। तो ये 18 बड़ा था, 18 बड़ा है 16 से, तो मैंने इससे घटा दिया था, इसमें 80 बड़ा है 60 से, तो 80 में 60 घटा दिया, तो हमारा रेशियो निकल के आ गया और हमने वर्तमान आयु निकाल ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।